और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपकी वीडियोस में कभी कभी थोड़ी बहुत एरर्स हो, लाइक पीछे से आवाज़ आ रही है या अभी पीछे गाड़ी की टिक टिक की आवाज़ आ रही है, आप सुन सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ माय चैनल। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो मैं फिर से बताना चाहता हूँ, मेरा नाम उमर है। आई एम ए प्रोफेशनल RN, मतलब रजिस्टर्ड नर्स। तो इसके अलावा आई एम ए कॉन्टेंट क्रिएटर एंड ए स्टूडेंट ऑफ नर्सिंग एज वेल। आज का ये जो वीडियो है ये पूरा डेडिकेटेड है यूट्यूब और वीडियो मेकिंग के लिए। मैंने ये सारा वीडियो सिर्फ इसीलिए बनाया है सो दैट सम ऑफ आवर यंगस्टर्स एंड सम प्रोफेशनल पीपल कैन टेक एडवांटेज ऑफ दिस प्लेटफॉर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। तो आज का जो टॉपिक है वो यूट्यूब और ये प्लेटफॉर्म जो है इसका कैसे लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, स्पेशली आवर प्रोफेशनल्स एंड सम स्टूडेंट्स जो कि हमारे यहाँ सोसाइटी में हैं, हमारी स्टेट में हैं और कंट्री में हैं, तो उसके बारे में मैं बात करूँगा। आपको ये चीज़ भी पता होगी कि सिंस पैंडमिक स्टार्ट हुआ है तो बहुत सारे स्कूल्स बंद हो गए और सारा कुछ शट डाउन हो गया। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स का तो बहुत ज़्यादा लॉस हो गया, आपको पता ही है। और हमारे प्रोफेशनल जो हमारी ग्रुप्स हैं, प्रोफेशनल जो पीपल हैं, वो बिल्कुल घरों में बैठ के रह गए, जिनका कोई अभी काम नहीं है, कुछ लोगों की जॉब्स भी गई। तो इन हालात के बारे में तो आप बिल्कुल वाकिफ़ ही होंगे। तो इसी सिलसिले में मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि देर आर लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने मुझे मैसेज किया, जो मुझे जानते हैं या जो मुझे जानते हैं उनके फ्रेंड्स ने मुझे मैसेज भेजा इन फ्रॉम व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम या फिर सीधे यूट्यूब के कमेंट्स पे, क्योंकि उन्हें पता है, बहुत लोगों ने मुझे देखा है कि मैं काफ़ी टाइम से वीडियोस बनाता रहता हूँ, बीच बीच में गैप्स लगती हैं बट स्टिल आई मेक वीडियोस। तो उनको पता है कि ये वीडियोस बनाता है, दे वांट टू नो फ्रॉम मी कि मतलब कैसे स्टार्ट किया जाए, कैसे वो अपना करियर, नॉट एज अ करियर, कैसे वो अपना वीडियो मेकिंग जो जर्नी है वो कैसे स्टार्ट करेंगे। तो ये सब मैं इसमें ब्रेक डाउन करूँगा, सारे टिप्स एंड ट्रिक्स कैसे वो स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो को मैंने दो हिस्सों में डिवाइड किया है, एक प्रोफेशनल जो लोग हैं जिन्होंने मुझसे पूछा है गाइडेंस कि वो कैसे अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड कर सकते हैं यूट्यूब या फिर फेसबुक प्लेटफॉर्म पे, और दूसरा जो हमारा ग्रुप है दैट इज़ स्टूडेंट्स एंड सम प्रोफेशनल कॉलेज स्टूडेंट्स जो चाहते हैं कि वो जानना चाहते हैं कि कैसे वो अपने जो भी टैलेंट है उनका वो पोज करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं यूट्यूब पे और फेसबुक पे, एस्पेशली बिकॉज नाउअडेज मोस्टली यंगस्टर्स यूट्यूब पे आते हैं अपने कंटेंट को मतलब दिखाते हैं, तो इस वजह से वो थोड़ा ज़्यादा यूट्यूब में ही इंटरेस्टेड है। देर आर सबसे पहले मैं प्रोफेशनल ग्रुप के लिए बताना चाहता हूँ कि अगर वो फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें ज़्यादातर टीचर्स हैं, ट्यूटर्स हैं और स्कॉलर्स हैं, तो उनके लिए बेहतर है कि वो सबसे पहले अपने जो फेसबुक है उसके मतलब फेसबुक में ही लाइव स्ट्रीम करें, वो उनके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि उसमें वो इंटरेक्टिव सेशन जो होता है वो उनका कंटिन्यू हो पाएगा। क्योंकि अगर वो पहले से प्री प्लान्ड वीडियो बनाएंगे फिर उसके बाद अपलोड करेंगे तो उसमें इंटरेक्टिव सेशन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए टीचर्स को भी अच्छा लगता है कि वो इंटरेक्टिव सेशन बने जिससे पूरा इंटरेस्ट होता है, जिससे बहुत चीज़ें खुल जाती हैं, बहुत सारे सवाल जवाब होते हैं, तो जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व हो जाती हैं। तो इंटरेक्टिव सेशन से क्लास में भी मज़ा आता है। जैसे मैं भी बहुत टाइम से मतलब यूट्यूब पे ही स्ट्रीमिंग देखता हूँ बहुत सारे एकेडमीज़ की रिलेटेड टू माय करियर, माय नर्सिंग प्रोफेशन, तो मुझे बहुत फ़ायदा होता है। और इंटरेक्टिव सेशन जैसे क्लास में होता है वैसा ही होता है, तो कोई डिफरेंस नहीं है। तो उसके बाद चलते हैं नॉन प्रोफेशनल मतलब स्टूडेंट्स और जो प्रोफेशनल कॉलेजेस में स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में मैं बताना चाहता हूँ उनके लिए क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। सबसे पहले जो मैंने ओवर द ईयर्स मतलब 3-4 साल से मैं भी वीडियोज़ बना रहा हूँ, तो उनके रिलेटेड मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर अपने मतलब एक्सपीरियंस के लिए मतलब को देख के यूट्यूब पे अगर आप लोग यूट्यूब पे आना चाहते हैं और वीडियोस बनाना चाहते हैं और अपना कंटेंट जो है लोगों को दिखाना चाहते हैं, अपना टैलेंट दिखाना चाहते हैं, चाहे वो टेक हो, चाहे वो व्लॉग्स हो, चाहे वो मतलब कुछ भी हो, चाहे ट्यूटोरियल्स हो या फिर आप कुछ ट्रैवल करते हैं तो वो सब दिखाना चाहते हैं, तो मैं आपको सीधे साफ बताना चाहता हूँ कि आपको पहले क्या करना है। सबसे पहला जो बहुत ही बड़ा बबल है वो मैं यहाँ पे फोड़ने वाला हूँ,
वो ये है कि आपको सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट है वो यही है कि आपका सेट माइंड होना चाहिए, बिल्कुल मतलब पूरा माइंड सेट होना चाहिए कि मुझे किस टॉपिक पे वीडियो बनाना है। क्योंकि मुझे इतना टाइम लगा, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है, अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं किस चीज़ पे कंटिन्यू वीडियो बनाऊँ। मतलब ऐसा है कि ऑडियंस को पता रहना चाहिए कि आप किस रिगार्डिंग ज़्यादातर वीडियोस बनाते हैं, सो दैट दे कैन एक्सपेक्ट समथिंग। मतलब ये फॉर एग्जांपल उमर है, ये व्लॉग्स ही बनाता है, या कोई टेक रिव्यू है तो टेक रिव्यू करते हैं, तो उनके बारे में भी जो पब्लिक है, जो ऑडियंस है, उनको पहले से ही एक्सपेक्टेशन होती है कि ये टेक रिव्यू देंगे अगला वीडियो जो है। तो सबका अपना अपना इंटरेस्ट होता है। जो आपकी ऑडियंस होगी वो तभी आएगी जब आपका कोई पर्टिकुलर टॉपिक होगा, पर्टिकुलर नीच होगा और पर्टिकुलर सब्जेक्ट होगा जिसके बारे में आप हमेशा मतलब हर ब्लॉग में या हर वीडियो में एड्रेस करेंगे। तो सबसे ज़्यादा पहली जो रिक्वायरमेंट है, सबसे बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट जो है, दैट इज़ योर नीच, योर सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कि आप किस में सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट है और सबसे ज़्यादा अच्छी तरह ब्लॉग्स बना सकते हैं, वीडियोस बना सकते हैं, वो सबसे ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट है, योर इंटरेस्ट, योर सब्जेक्ट। उसके बाद आता है आपका सारा गेयर वेयर, वो सब मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपके पास अभी कोई भी गेयर नहीं है मतलब वीडियो बनाने के लिए, तो अभी आपके पास जो फ़ोन सामने है जिससे आप मेरी वीडियो देख पाते हैं उसी से स्टार्ट करें। होप से उसमें कैमरा भी होगा तो आराम से उससे भी वीडियो बना सकते हैं, उसमें अगर ऑडियो क्वालिटी भी अच्छी है तो आपका काम हो गया। आप टेबल का यूज़ कर सकते हैं, स्टार्टिंग में आपकी वीडियोस वैसे भी अच्छी नहीं आने वाली क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत चीज़ें इंसान सीखता है, ओवर द टाइम आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आपकी वीडियोस अच्छी आने लग जाएंगी। तो उसके लिए क्या है कि आपको एक स्मार्टफोन चाहिए और आपको एक ट्राईपॉड की ज़रूरत है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं थोड़ी बहुत, तो 2000 के बीच में आपका इतना रिक्वायरमेंट का सामान आएगा कि मतलब इतना गियर आएगा कि आप अच्छी तरह वीडियो बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप अभी जो वीडियो देख रहे हैं ये एक सिंपल स्मार्टफोन से बनाया जा रहा है, वीवो से, और इसके नीचे एक है ट्राईपॉड जो कि आई थिंक 1000 के आसपास का कुछ लिया था मैंने। तो ज़्यादा कुछ बजट मतलब गियर नहीं है कि मतलब पूरा सेटअप बनाने की ज़रूरत नहीं है स्टार्टिंग बिगिनिंग में, आगे जाके आप कर सकते हैं तो वो अच्छा है। आगे जाके जब आप इससे यूट्यूब से क्या है एड रेवेन्यू स्टार्ट करेंगे तो उससे आपके मतलब अगर आपके पास ऑलरेडी रिसोर्सेज हैं तो उन चीज़ों का भी यूज़ कर करके आप आगे बढ़ सकते हैं। और एक बात मैं यंगस्टर्स को बताना चाहता हूँ कि यूट्यूब पे आने के बाद आप ये जहन में ना रखें कि अगर हमने आज से स्टार्ट किया तो अगले महीने से हमारे जो एड रेवेन्यूज और हमारा जो इनकम आनी स्टार्ट हो जाएगी, ये बात नहीं है। बात ऐसी है कि हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता आपको, हो सकता है कि मतलब आप कर सकते हैं अगर आपका मतलब जो आपका टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा कोहेरेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि लोगों को उससे फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि लोग अपना टाइम दे रहे हैं, अपने पैसे दे रहे हैं यूट्यूब पे वीडियोस देखने के लिए, तो उन्हें इससे कुछ फ़ायदा भी होना चाहिए। तो उसके लिए क्या है कि आपको वैसा ही कॉन्टेंट बनाना पड़ेगा। मैं ये गारंटी कर सकता हूँ कि अगर आपका मतलब वीक में 2 या 3 वीडियोज़ आते हैं और उसमें बहुत ही ज़्यादा व्यूज़ आते हैं तो 2 महीने के अंदर अंदर आपका जो एड रेवेन्यू स्टार्ट हो जाएगा, आपके वीडियोस पे ऐड लगने स्टार्ट हो जाएंगे जिससे आपकी अच्छी खासी अर्निंग हो सकती है और विद ओवर द टाइम आप इसको अपना मतलब पूरा प्रोफेशनल करियर बना सकते हैं। पहले स्टार्टिंग में अगर आपके कंट्रोल में कुछ है, दैट्स योर कॉन्टेंट, आपके कंट्रोल में ये नहीं है कि आप मुझसे अपनी चैनल का प्रमोशन करवाएं, आप मुझसे या किसी और बड़े यूट्यूबर से जाके बोले इंस्टाग्राम पे उसको मैसेज करें कि मेरी चैनल को प्रमोट करें, देखो वो आप प्रमोट करवा भी लेंगे तो बाद में थोड़ी देर के बाद वो अपने सब्सक्राइबर चले जाएंगे क्योंकि उनका इंटरेस्ट नहीं होगा और आपकी कंटेंट जो आपका कंटेंट है वो भी अच्छा नहीं होगा तो ऑब्वियसली वो छोड़ के भाग जाएंगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप अपने कंटेंट पे आपका कंट्रोल है, उस कंटेंट को अच्छा बनाइए। आपके पास फ़ोन है, आपके पास ट्राईपॉड है और आप इससे वीडियोस बनाना स्टार्ट कीजिए तो आप आराम से आगे बढ़ सकते हैं और विद द टाइम आप अपनी गियर वगैरह ले सकते हैं जिससे आप अच्छी क्वालिटी इसकी वीडियो बना सकते हैं। वो ओवर द टाइम है जब आप इससे फ़ायदा हो, जब आपको यूट्यूब से फ़ायदा हो रहा है तो। और लास्ट थिंग मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपको वीडियोस भी आपने बना ली, आपने मतलब आइडिया सेट कर लिया कि कौन से सब्जेक्ट पे मैं वीडियोस बनाऊँगा, उसके बाद आपके पास फ़ोन है, आपने स्टार्ट कर लिया वीडियोज़ बनाना, और उसके बाद जो पोर्शन आता है
मतलब स्टेज आता है, दैट इज़ पोस्ट प्रोडक्शन, जिसमें आपका एडिटिंग का आता है, अपलोडिंग का आता है, वो सारा मैं उसमें बता दूंगा कि आप क्या क्या कर सकते हैं। अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप लैपटॉप से बहुत सारे मतलब स्टार्टिंग से, जैसे मैंने किया विंडोज़ मूवी मेकर से मैंने स्टार्ट किया, इतना एडवांस भी नहीं है और कम भी नहीं है, क्योंकि मेरी जितनी भी वीडियोस पे ज़्यादा व्यूज़ हैं वो सारे विंडोज़ मूवी मेकर से ही मैंने बनाई थी। अब जाके मैं कुछ वीडियोज़ मैंने फिल्मोरा से बनाई, उसके बाद मैंने प्रीमियर प्रो में से भी कुछ, क्योंकि प्रीमियर प्रो के लिए बहुत ही अच्छी कॉन्फ़िगरेशन का कंप्यूटर चाहिए होता है। अगर आपके पास है तो आप यूज़ कर सकते हैं, सीख सकते हैं, आपको सीखना पड़ेगा वो सब। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप बेसिक से स्टार्ट कर लें, अगर आपके पास कंप्यूटर है या अगर आपको एडिटिंग मतलब बेसिक एडिटिंग आती है तो आप फिल्मोरा या फिर प्रीमियर प्रो ले सकते हैं अपने फ्रेंड वैंड से, और उसके बाद उस पर एडिटिंग कर सकते हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैं किस पे एडिटिंग करता हूँ। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं कैसे एडिटिंग करता हूँ और सिंपल ट्रिक्स मैं आपको बता दूंगा। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको सीधे अपना लैपटॉप ही दिखा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी स्क्रीन का जो वो रिकॉर्डर होता है वो मेरे पास अवेलेबल नहीं है। तो आपके मतलब आसानी के लिए मैं दिखाना चाहता हूँ, ये एक सॉफ्टवेयर है फिल्मोरा करके, फिल्मोरा 9 है ये, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास लैपटॉप है। अगर आपके पास मतलब डेस्कटॉप है तो उस पर यूज़ कर सकते हैं, आराम से आपके सिस्टम पे चलेगा। बट कॉन्फ़िगरेशन ये होनी चाहिए कि एटलीस्ट आपका 64-bit वाला सिस्टम होना चाहिए, और रैम जितनी ज़्यादा हो तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एटलीस्ट 4 पे तो ये चल रहा है। इसके अलावा भी मेरे पास आप देख सकते हैं कि प्रीमियर प्रो भी है, और आफ्टर इफेक्ट्स वैसे इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, और बहुत ही हेवी सॉफ्टवेयर्स हैं इनके लिए, मतलब बहुत ही अच्छी कॉन्फ़िगरेशन और ग्राफिक्स कार्ड वो सब होना चाहिए। तो ये है प्रीमियर प्रो, इसके लिए भी बहुत ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए, बट मेरे पे ये चल रहा है, बट थोड़ा सा हेवी है, तो इसलिए मैं दोनों को मिला के मतलब पूरी एडिटिंग तो मैं इसी सॉफ्टवेयर पे करता हूँ, फिल्मोरा पे ही करता हूँ, बट कुछ इफ़ेक्ट्स वगैरह या कुछ चेंजेस या कुछ भी मतलब ऐसा फीचर हो जो मैं यूज़ कर सकता हूँ आराम से, तो वो मैं प्रीमियर प्रो से ही करता हूँ। काफ़ी इजी सॉफ्टवेयर है, आप देख सकते हैं ये मैंने बंद किया, और फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मुझे कोई भी एडिटिंग करनी है तो मैं इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखिए, मैंने एक फ़ोटोग्राफ लिया अभी, क्योंकि वीडियो में मैं थोड़ा सा में भी टाइम लग जाए, तो आप देख सकते हैं कि ये इस पे आ गया। बिल्कुल ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर कर के आप आगे बढ़ सकते हैं। अब दूसरा फ़ोटो मैं ऐड कर रहा हूँ, या देखते हैं ये वीडियो मैंने दिल्ली का वीडियो है, ये मैं ऐड कर रहा हूँ ड्रैग करके। इसमें से मतलब थोड़ा इसको टाइम लगता है इसमें जाने में, तो हो गया, ये ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं था तो हो गया। ये देखिए, तो ये एक बहुत ही इजी वे है जिससे आप एडिटिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास फिर भी मतलब सिस्टम वगैरह नहीं है, कंप्यूटर सिस्टम नहीं है या लैपटॉप नहीं है, तो इसके अलावा भी आप एडिटिंग कर सकते हैं। आपको अपने स्मार्टफोन में काइन मास्टर, पावर डायरेक्टर या फिर कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर जो फ्री में मिलता है वो यूज़ कर सकते हैं स्टार्टिंग में। बिगिनिंग के लिए कुछ भी चलेगा, क्योंकि आपकी एडिटिंग जो है स्टार्टिंग में मे भी अच्छी ना भी हो तो कोई इतना ज़्यादा नहीं देखता, बस आपका जो मैसेज है वो ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, आपका जो कॉन्टेंट है वो ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। तो उसकी वजह से क्या है कि बहुत सारे लोग आपके जो क्वालिटी पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे अगर आपके पास कंटेंट बहुत ज़्यादा अच्छा है। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपकी वीडियोस में कभी कभी थोड़ी बहुत एरर्स हो, लाइक पीछे से आवाज़ आ रही है या अभी पीछे गाड़ी की टिक टिक की आवाज़ आ रही है, आप सुन सकते हैं, या बच्चे की आवाज़ आ रही है, तो इन चीज़ों को नेगलेक्ट कीजिए। छोटे छोटे एरर्स ऐसे मतलब जो पीछे डिस्टर्बेंसेज हैं जिनको आप इतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते, उनको आप छोड़ सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं बताना चाहता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल ये है मेरी टी शर्ट पे, ये पेंट का दाग गिरा हुआ है जो कि मैं अपनी पेंटिंग बनाने के टाइम पे मतलब मेरे हाथ से थोड़ा बहुत गिर गया और ये यहाँ पे लग गया, तो दीज थिंग्स बैड मतलब बेयरली मैटर। तो इससे अच्छा है कि आप मेरी पेंटिंग्स को ही देखें। तो ये मेरे कैनवासेस हैं, ये भी, और ये कुछ मेरी सिस्टर ने बनाए हैं। तो ये चीज़ें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैटर करती हैं, ये चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं कि आपके पास है क्या, आप क्या कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो जिन्होंने इसी पैंडमिक के टाइम पे ही स्टार्ट किया, कुछ लोगों ने मतलब
ट्यूटोरियल स्टार्ट किए और कुछ लोगों ने इंफॉर्मेशन लाइक जनरल नॉलेज स्टार्ट की, कुछ लोगों ने कोरोना पे ही स्टार्ट किया और माशाल्लाह अभी वो साइंस में बहुत आगे बढ़ रहे हैं। दे आर मेकिंग द वीडियोज अबाउट द साइंस, फॉर एग्जाम्पल मतलब फैक्ट्स वगैरह वगैरह। तो कुछ लोग आर्टिस्टिक हैं लाइक माई कजन्स, शी स्टार्टेड विद पेंटिंग एंड ड्राइंग एट्सेट्रा, जिनकी मैंने वीडियोस खुद एडिट की हैं, मतलब खुद मैं उनका एडिट कर रहा था स्टार्टिंग में और अभी वो बहुत ही अच्छी तरह खुद एडिट कर पा रही हैं, दैट्स अ ग्रेट थिंग। इनफैक्ट मैंने उनकी लास्ट वीडियो जब देखी थी तो उसमें उसने इतनी ज़्यादा एडिटिंग अच्छी की थी कि मैं खुद हैरान हो गया कि इसने सीखा कैसे। जब मैंने पूछा शी सेड कि मैंने यूट्यूब पे ही ट्यूटोरियल्स देखे। तो कुछ भी कर सकते हैं, आराम से आप ले सकते हैं स्टार्ट, अभी इनिशिएट कर सकते हैं, अभी एक्सेलरेटर पे सीधे पैर रख के आप स्टार्ट हो जाएंगे तो आपका वीडियो जो है मेकिंग का जो सपना है वो पूरा हो सकता है। क्या पता 6 महीने के बाद आप सोचेंगे कि मैंने इसी टाइम पे स्टार्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि दुनिया जल्द ही फिर से रिज्यूम हो जाएगी और सारा कुछ ये सारे काले दिन भी ख़त्म हो जाएंगे और इंशाल्लाह फिर से बाहर आएगी। दैट्स व्हाट वी होप इंशाल्लाह। एंड विद दिस सेड कि इसको इस वीडियो को यहाँ पे एंड करता हूँ मैं। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ और इंशाल्लाह आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आप स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल पे, क्योंकि मैं लाइव स्ट्रीम करता हूँ स्टडी विद मी। अगर आप किसी चीज़ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। जब भी मैं लाइव आता हूँ तो आपको नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा के रखिए सो दैट वी कैन एकम्पनी ईच अदर एंड वी कैन मेक इट वेरी प्रोडक्टिव। एज वेल एज मैं इंस्टाग्राम पे भी बहुत एक्टिव हूँ, उस पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और काफ़ी फ़ायदा होगा। यू कैन टीच मी थिंग्स एंड आई कैन टीच यू ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच।